हैप्पी फ्रेंडशिप डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आप अपने फ्रेंड्स को स्टेटस सेंड करते हैं और गिफ्ट भी देते होंगे। गाइस, क्या कभी आपने सोचा है ये गिफ्ट आपके और आपके दोस्त के लिए शुभ है, क्योंकि देने वाले और लेने वाले सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो गाइस, अगर नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें मैं आप लोगों को वास्तु के अनुसार जो चीज़ मित्र को देने से आपको और आपके मित्र को आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो बताती हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से हमेशा की तरह ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले नंबर पर तो हम सभी भगवान में बहुत आस्था रखते हैं और भगवान की मूर्ति गिफ्ट करते हैं, पर गाइस, पूजा करने में और भगवान को गिफ्ट करने में तरह तरह के विधान हैं। अगर उन विधानों को पालन ना किया जाए तो आपको दुष्प्रभाव मिल सकते हैं। जैसे कि गणेश जी की प्रतिमा सभी लोग शुभ कामों पर देना उचित समझते हैं, पर अगर गणेश जी के साथ में माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी साथ में सम्मिलित कर दी जाए तो ये गिफ्ट अशुभ होगा। ये आर्थिक उन्नति में बाधक होगा आपकी और आपके मित्र दोनों की। दूसरे नंबर पर कभी भी किसी को नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे कि चाकू या कोई पिन वगैरह। मित्रों, ये रिश्तों में दरार डालता है और आपकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट सकती है। तीसरे नंबर पर एक्वेरियम, क्योंकि जल को वास्तु में जो है एक धन का कारक माना जाता है, धन का कारक। और अगर आप जल दे देते हैं तो आपके पास से नगद धन की कमी हो जाती है और आपके मित्र को भी दुष्परिणाम मिलते हैं। अगला मेरा जो गिफ्ट का है तो वो है रूमाल। रूमाल जिसे भी आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो गाइस, ये आपकी पसीने पोंछने वेस्टेज चीज़ों को इस रेस्क्यू करने के काम में आता है। तो गाइस, ये जो है तो आपके रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर देता है कि आपके रिश्तों से मित्रता चली जाती है और दुश्मनी की भावना वहाँ पर प्रवेश कर जाती है। अगर आपको कोई ये गिफ्ट देता है तो आप समझ जाइए कि वो आपका भला नहीं चाहते हैं। एंड अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अपने मित्र को हम क्या गिफ्ट करें। और गाइस, एक चीज़ और मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूँ, ये कारोबारी भाइयों के लिए बहुत ही उचित है कि अगर आप अपने कारोबार से जुड़े कारोबारी भाइयों को कारोबार से जुड़े गिफ्ट दे देते हैं तो ये आपके लिए, आपके मित्र के लिए तो बहुत उत्तम होगा, पर आपके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से गलत होगा। तो और देना चाहिए अपने मित्र को हमेशा खुशबूदार चीज़ें, ड्रेसेस एंड काला रंग कभी भी ना दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।